अब्दुल्ला कादवानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की है जिसमें वाज अली, हारून कादवानी, असीब हसन जैसे डायरेक्टर और अब्दुल्ला कादवानी नज़र आए हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। और कुछ दिन पहले अब्दुल्ला कादवानी ने पोस्ट की थी कि आप तेरे बिन का सेकेंड सीज़न देखना चाहते हैं या खुदा और मोहब्बत का सीज़न 4। तो लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि सराजुल हक थे तेरे बिन पार्ट 2 के, तो तेरे बिन पार्ट 2 को भी शायद वही डायरेक्ट करें। तो ये ड्रामा तेरे बिन सीज़न 2 होने के बजाय खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 हो सकता है। तो इसमें यह भी कन्फर्म है कि हारून कादवानी और वाज अली देखने को मिलेंगे। जिस तरह हमें पिछले सीज़न में फिरोज़ खान, मिर्ज़ा जैन बेग थे, तो वहाँ मिर्ज़ा जैन बेग का रोल थोड़ा कम था, तो सीज़न 4 में यही रोल हारून कादवानी करेंगे। तो हो सकता है कि रोल थोड़ा सा बड़ा हो। तो अब देखना ये होगा कि असीब हसन के हत्थे सीज़न 4 लगा है, हारून कादवानी और वाज अली होने वाले हैं, तो इसके साथ नीलम मुनीर, यमुना जैदी, सायरा खान, हानिया अंबर, किंजा हाशमी या इस तरह की कोई बड़ी एक्ट्रेस हो सकती है, इकरा जी, दुरे फिशा जैसी। तो देखते हैं कि खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 कितना बड़ा ब्लॉकबास्टर होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये ड्रामा बहुत बड़ा ब्लॉकबास्टर होगा। एक तो फ्रेंचाइज काफ़ी बड़ी है, दूसरी तरफ वाज अली, हारून कादवानी का कम्बिनेशन और साथ में एक बड़े एक्टर्स और असीब हसन जैसे डायरेक्टर जुड़े हैं, तो फिर ये ड्रामा बहुत बड़ा ब्लॉकबास्टर होगा। तो मज़ीद मैं अपने सोर्स से पता लगवाता हूँ कि ये ड्रामा कौन सा होने वाला है। तो मेरी प्रोडक्शन के मुताबिक ये ड्रामा खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 होने वाला है। तो आप क्या चाहते हैं कि आप वाज अली को तेरे बिन सीज़न 2 में देखना चाहते हैं या खुदा और मोहब्बत सीज़न 4 में? तो आपका जो भी फीडबैक हो आप मुझे अपने फीडबैक से कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह कीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक लिए खुदा हाफिज़।